तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेंटन के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिन्हें देखने के बाद तुम सिर्फ एक ही चीज कहोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा अननोन फैक्ट है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो फैक्ट जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। फैक्ट नंबर वन, चलो यार पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स और बेंटन की अल्टीमेट सीरीज में इस तरीके का प्लम्बर बैच तो देखा ही होगा, लेकिन ये बैच हमेशा से ऐसा नहीं था। तुम लोगों ने अगर ओमनीवर्स देखा है तो तुम्हें पता होगा बेंटन ओमनीवर्स में हमें काफ़ी सारी बेंटन के तरीके की और वॉचेस भी दिखाई गई थी, और उसी वजह से भाई हमें जो प्लम्बर का बैच था वो ऐसा कर दिया गया था। लेकिन क्लासिक सीरीज में पहले ही ऐसा था, पता नहीं यार फिर इसको क्यों चेंज कर दिया। सो यार पता है यार कि ये कौन से नशे करते हैं, लेकिन हाँ ये बाद में चेंज कर दिया था। फैक्ट नंबर टू, तो ये फैक्ट जो है हमारे डीसी फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुम्हें पता है वैसे तो बेंटन के क्रॉसओवर ज़्यादातर होते नहीं हैं, लेकिन जब होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। लेकिन ये एक तरीके का रेफरेंस या तुम लोग कह सकते हो, कॉपी तो नहीं कहेंगे लेकिन उससे एक आइडिया लेके थोड़ा बहुत सिमिलर है। तुम लोग जानते हो कि नल वर्ल्ड को, जहाँ पर बेंटन के यूनिवर्स के कैदी और ये सब लोग रहते हैं, पर यहाँ पर आना और जाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है बिकॉज ऑफ यार ये एक मेरे ख्याल से अलग डायमेंशन है। पता नहीं यार मेरे को ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था। सो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर और ये सब लोग रहते हैं, यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना होता है। लेकिन डीसी के ये फैंटम वर्ल्ड से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है, वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पर जो बींग्स रहते हैं वो एक टाइप के गोस्ट होते हैं, और वहाँ से आना और जाना इतना आसान नहीं होता। सो यही था फैक्ट। फैक्ट नंबर थ्री, तुम्हें पता होगा डॉक्टर एनिमो जो कि हर तरीके के इसके सारे सूट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स या एनिमल से सिमिलर होते हैं। यहाँ पर तुम लोग गोरिल्ला का दे सकते, तो इवन उसके गेम में भी वो गोरिल्ला बना हुआ है, और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो फ्यूचर वाला था वो भी गोरिल्ला ही था। पता नहीं भाई इसको गोरिल्ले से इतना प्यार क्यों है, बट हाँ यार एनिमल लवर इस चीज़ को हेट नहीं करते, लेकिन उसकी बॉडी लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना ये बुरी बात है। सो बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर फोर की तरफ। तुम लोग को पता होगा बेंटन एक एनिमेटेड सीरीज है, सो उसके काफ़ी ज़्यादा पहले जो होते हैं प्री प्रोडक्शन वर्क होता है, जिसमें उसके रफ स्केचेस या तुम कह सकते हो कॉन्सेप्ट आर्ट्स को बनाया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं आफ्टर एनिमेट, जैसे तुम लोग यहां पर देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हैं। और ये एक प्री कॉन्सेप्ट होता है किसी भी, समझ जाओ यार जब ऐसे वर्क होते हैं इसमें सबसे पहले तुम्हें सिर्फ रफ स्केचेस चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पर बेंटन का रफ स्केच देख सकते हो सिर्फ विजुअलाइज़ करने के लिए कि सीन कैसा होगा, बाद में उसको फाइनलाइज़ करते वक्त सब कुछ ठीक कर दिया जाता है। जो भी चेंजेस होते हैं जब फाइनल एनिमेशन होती है उसमें कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर तुम लोग एको को भी देख सकते हो जिसका फाइनल डिज़ाइन काफ़ी अलग था। और यहाँ पर तुम एक बिगचिल का एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ पर ओमनीवर्स का बिगचिल चेंज होकर बेंटन के एलियन फोर्स वाला बिगचिल होने वाला था, बट ऐसा किया नहीं गया। और ऐसे और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हैं जो कि तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं आफ्टर एनिमेशन। और तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो कि हमारा फैक्ट नंबर फाइव। तो फैक्ट नंबर फाइव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो रीबूट सीरीज़ की इस वाली मूवी से, जहाँ पर विलगैक्स इस की का यूज़ करता है ओमनीट्रिक्स में, जिसकी वजह से वो एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए यूज़ करता है। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर बेंटन ओमनीवर्स में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, जब दो चाबियाँ डाली गई थी ओमनीट्रिक्स के अंदर ताकि उसके अंदर एलियन एक्स का डीएनए अनलॉक करा जाए। सो ये काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर ही था। तो अब बात कर लेते हैं बोनस फैक्ट की। तुम्हें पता है कि एग्रीगोर और सेल ये दोनों ही काफी हद तक सिमिलर ही हैं, और चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों सिमिलर हैं। ये दोनों ही किसी भी चीज़ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसकी पूरी लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये दोनों को बनाया गया था अपने यूनिवर्स के हीरोज को मारने के लिए। और इनकी अपनी अपनी एक खुद की एक अल्टीमेट फॉर्म, जैसे अल्टीमेट एग्रीगोर और सेल की सेलमैक्स, और इन दोनों को हराया था नॉन हीरोस यानी कि इन दोनों के साइड करेक्टर्स ने, जैसे कि केविन, और उसको हराया था दूसरे, तुम्हें पता होगा गुहान के गोकू के बेटे ने। सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।